यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 3। इससे पहले हम दो टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो थर्ड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने सुबह ये टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया था, तो आई होप कि आपने इसको जो है वो सोल्व किया होगा। ओके, और अब आप जो है वो कोरिलेट करके देखिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको जो आपने टिक किया और जो अब जो करेक्ट आंसर है वो, तो दोनों को मैच करके और बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो क्या रहा और क्या पिछले टेस्ट के मुकाबले कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। मैंने लास्ट वीडियो के कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो बच्चों के कमेंट थे कि सर पहले के मुकाबले में कुछ जो है वो इंप्रूवमेंट हुई, कुछ एक बच्चों के जो है वो पहले के मुकाबले में थोड़े से कम हुए हैं। तो देखिए आप, ठीक है, पहले के मुकाबले में जो बच्चे ये बोले इंप्रूवमेंट हुआ, अच्छी बात है, चलो पॉजिटिविटी है। कुछ बच्चों के पहले के मुकाबले में कम हो गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, देखिए आप ये मत बोलिए कि आपके कम हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो आपको मैंने वो करेक्ट बता दिया। तो अब कम से कम ये तो हो गया ना कि आगे अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो वो तो आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि ये नया कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या कुछ करना है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, मतलब कभी भी ये नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर मत लेके आइए कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, मेरे इतने गलत हो गए, ये हो गया, वो हो गया। देखिए क्या है कि ये तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल तो फिर वो एग्जाम के अंदर ही होगा जो होना है, ठीक है ना। तो अभी प्रैक्टिस की अगर मैं बात करता हूँ जहाँ तक, तो इसके अंदर आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि मेरे को जितने हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स मेरे को जो है वो समझ में आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो मैं गेन करूँ कि एक्चुअल के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो कभी भी डिप्रेस मत होइएगा कि भाई मेरे क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं या क्या, गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। एक देखो गलत तो थोड़ा सा ये है, होता है मन के अंदर कि यार मेरे क्वेश्चन गलत क्यों रहे हैं, ये सही होने चाहिए, बट बात ये है ना कि कम से कम चलो एटलीस्ट इतना तो हो गया कि अब आगे ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कम से कम मेरे को नॉलेज तो हो गया उन चीजों का। ओके, तो आप कभी डिप्रेस मत होइए इन चीजों को सोच सोच कर कि मेरे पिछले बार के मुकाबले में कुछ गलत हो गया। ओके, हाँ जी सर, चलो हम शुरुआत करते हैं। थर्ड टेस्ट है हमारा और इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है ये, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल इवेंट। इंस्ट्रक्शनल इवेंट की बात करनी थी, विच फॉर्म पार्ट द स्ट्रक्चर द लेसन प्लान। जब एक टीचर जो है वो लेसन प्लान बनाता है तो उसमें किस किस इंस्ट्रक्शनल इवेंट को जो है वो क्या करता है, कवर करता है। देखिए तो आपको पता, सबसे पहले वो जब भी हम लेसन प्लान बनाएंगे तो क्या हम स्टूडेंट के टेंशन गेन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रायर नॉलेज स्टूडेंट की चेक करते हैं लेसन प्लान, बिल्कुल नहीं सर, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। इन्फॉर्म करते हैं लर्नर को अबाउट द ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो भी आपने लेसन प्लान बनाया तो उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में लर्नर्स को बताते हैं, जी बताते हैं। स्टिमुलेट करते हैं रिकॉल ऑफ द प्री रिक्विजिट लर्निंग, जो पहले जो उन्होंने कुछ सीखा हुआ उसको क्या स्टिमुलेट करते हैं, रिकॉल करवाने का काम करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। और चेकिंग करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द रीडिंग मटीरियल, इस चीज को हम चेक नहीं करते कि लाइब्रेरी में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और एलिसिट करते हैं डिजायर्ड रिस्पॉन्स, और हम ये चाहते हैं कि हम जो हम चाहते हैं वैसे रिस्पॉन्स निकल के, बिल्कुल चाहते हैं। तो आंसर जो बनना है बनेगा इसका वो क्या बनेगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स। चलो जी आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई इनकेस ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। जब हम डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, हालांकि ये मैंने एक बार पहले भी एमसीक्यू करवाया था, ठीक है, बट फिर भी चलो डिस्कस करते हैं इसको। डिस्कवरी लर्निंग के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें 1, 2, 3 तीनों के तीनों आएगा। बोले तो डिस्कवरी लर्निंग जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, हाँ जी बिल्कुल है। इसको जो है इंट्रोड्यूस किया किसने, जेरोम ब्रनर ने, हाँ जी। एंड इट इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब बात ही करते हैं डिस्कवर करना है, क्या करना है डिस्कवर, तो डिस्कवर कैसे होगा, जिसमें हम क्या करेंगे इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन हम जो है वो प्रोवाइड। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 1, 2 एंड 3। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बोलते हैं, एज लर्निंग इज कंटिन्यूअस, जैसा कि हम मानते हैं कि लर्निंग जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस नेचर की है, ए टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट माइंड फॉर देयर बेटर लर्निंग, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। देखिए हम बोलते हैं टीचिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस नेचर की है, तो टीचर को कहां पे स्टार्ट करना चाहिए, टीचर को ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे ने जो चीज पढ़ी हुई है वहां से शुरुआत करके उसको आगे लेके जाए, ताकि बच्चा उसको क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए, क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जितना कनेक्टिविटी के अंदर पढ़ाते हैं उतनी चीजें हमको लॉन्ग टर्म तक जो है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है। इसलिए बोलता है क्या बोलता है, क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं कि लर्निंग जो है वो कैसा है, कंटीन्यूअस नेचर की है, ए टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट माइंड, तो टीचर को जो है वो स्टार्ट करना चाहिए टीचिंग को एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट माइंड फॉर द बेटर लर्निंग, इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। चलो जी आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंप्लाई टू कंटेक्स्ट द ऑनलाइन टीचिंग मेथड। अब बात हो रही है किसका, ऑनलाइन टीचिंग मेथड का, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई होती है ऑनलाइन टीचिंग मेथड के ऊपर। सबसे पहले बोलते हैं टीचर डज नॉट हेल्प इन कंस्ट्रक्शन नॉलेज, क्या मैं आपको हेल्प नहीं करता? मेरे कितने सारे बच्चों ने ऑनलाइन बैच लिया हुआ है, क्या उनको टीचर से कोई हेल्प नहीं मिलती है? कमाल करो सर, टीचर तो मेन पढ़ा रहे, तो ये तो जो है वो क्या गलत है। देर आर मोर रोल ऑफ द लर्नर, हाँ ये बात है कि लर्नर का यहाँ पे रोल थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि टीचर आपके घर पर नहीं आ सकता, तो जो शेड्यूल बनाना रूटीन बनाना वो लर्नर के हाथ में होता है। दूसरा डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलवेज वर्बल, क्या बात कर रहे हो सर, क्या हमेशा वर्बल होता है? ओरली भी, ओरल के अलावा जो रिटन में भी मिलता है। एंड देर आर मोर चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जो है सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो है लर्नर के अंदर खुद कितनी स्टिमुली है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज रिजिड नेचर, क्या बात है, तो ये रिजिड नहीं है सर, ये फ्लेक्सिबल ही नेचर है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग को आप कभी भी अपनी ईज के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो। तो इसका मतलब आंसर जो बनता है वो 2 and 4। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इन द सोशल साइंस, अब बात आती है किसका, सोशल साइंस का। सोशल साइंस के अंदर बेसिकली क्या, जब आप ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट द मोस्ट रिलायबल रिजल्ट, तो वो हमारे थोड़ा मुश्किल रहता है कि हम ज्यादा रिलायबल रिजल्ट जो है वो जान पाए। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कुछ रीजन, सबसे पहला वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की वर्डिंग कैसी है। जब आप किसी पर्सन से जो है उसके बिहेवियर को नॉलेज, उसके बिहेवियर की नॉलेज चेक कर रहे हो, या किसी पर्सन से अगर आप कोई क्वेश्चन को पुटअप करते हो, तो जो आपका क्वेश्चन है उसकी जो वर्डिंग है वो बहुत इंपैक्ट करती है। पहला ओके है, फिजिकल सेटिंग ऑफ इंटरेक्शन, फिजिकल सेटिंग जो वो कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है वो भी इंपैक्ट करता है, रिस्पोंडेंट का मूड कैसा है वो भी इंपैक्ट करता है, इंटरव्यूअर का मूड कैसा है वो भी इंपैक्ट करता है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन कैसी हो रही है दोनों के बीच में ये भी इंपैक्ट करता है, रिग्रेशन इफेक्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स का ये भी हमारा इंपैक्ट करता है। तो मतलब वो जो कोजन, जो कोजन इफेक्ट जो हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं रिग्रेशन इफेक्ट, हम देखते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे सोशल साइंस के अंदर जो है वो आती हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो जी आगे द रिसर्च डिजाइन, अब बात आती है किसका, रिसर्च डिजाइन का। जब हम जो है वो रिसर्च के प्रोसेस को पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा थर्ड नंबर पे हम लोग जो रिसर्च डिजाइन को जनरली लेके आते हैं, तो रिसर्च जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या है, रिसर्च डिजाइन थर्ड आगे, तो रिसर्च डिजाइन जो हम एक स्टेप है रिसर्च डिजाइन को क्या करना, फॉर्मुलेट करना। तो बोलते हैं द रिसर्च डिजाइन इज स्पेशली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन द रिसर्च, तो किन से रिलेटेड है, सैंपल सिलेक्शन करते हैं, हाँ जी, तो वो रिसर्च के अंदर बताते हैं, जो डिजाइन बनता है उसी के अंदर बताते हैं कि कौन कौन सैंपल को अपने को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, फॉर्मुलेट करते हैं प्लान को, करते हैं डिसाइड करते हैं कि कौन से टूल, डेटा कलेक्शन का कौन से टूल को हम यूज करने वाले हैं, हाँ जी करते हैं, हाइपोथेसिस यहां पे बनाते हैं, क्या बात करते हैं सर, हाइपोथेसिस तो हम बाद में क्रिएट करते हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं है। चॉइस ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी, किस चॉइस ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी जो है वो क्या रहने वाली है, वो भी इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा रिसर्च डिजाइन में ओनली ये तीन चीजें इंक्लूड है, तो आंसर जो बनेगा 1, 2 and 3। आगे बढ़ो, बोलता है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग सैंपल इज मोस्ट हेल्पफुल, कहां पे ज्यादा हेल्पफुल है, तो वो हेल्पफुल है देर इज ए वाइड ज्योग्राफिकल डिस्पर्सन ऑफ पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन जो है वो आपकी क्या है, बहुत ही वाइड है और डिस्पर्सड है, मतलब होमोजीनियस नेचर की नहीं है वो, हेट्रोजीनियस नेचर की है, बिल्कुल सही बात है। रिसर्चर टाइम एंड मनी कंसेंट, रिसर्चर के पास टाइम और मनी कंसेंट है, वो सबको जो है मतलब हर एक यूनिट को जो है वो स्टडी नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। रिसर्चर वुड यूज ए प्रोबेबिलिटी सैंपल इन ऑर्डर टू जनरलाइज द रिजल्ट, और रिसर्चर यहां पे जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपल को लेके चलता है, मतलब वो जो है 100% डेटा को जो स्टडी नहीं करता, वो ओनली प्रोबेबिलिटी के बेस पर जो है वो डेटा को क्या करता है, स्टडी करता है। तो ये तीनों की तीनों बातें जो है वो क्या सही है, बोल तो मल्टी क्लस्टर सैंपल के अंदर ये तीनों की तीनों फीचर इसमें आते हैं, बोले तो ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़े, द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग द सेम डेटा, एक ऐसा काम जिसमें ये रिसर्च एथिक्स से मैंने क्वेश्चन लिया, ये क्या है, एक्ट ऑफ पब्लिशिंग द सेम डेटा एंड रिजल्ट इन मोर देन वन जर्नल और पब्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, इट रेफर टू विच टाइप ऑफ प्रोफेशनल इश्यूज, तो ये है आपका डुप्लीकेशन पब्लिकेशन। तो डुप्लीकेट पब्लिकेशन के अंदर बेसिकली क्या, जब मान लीजिए कोई रिसर्चर जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो पब्लिश करता है सेम डेटा और रिजल्ट को इन मोर देन वन जर्नल में, तो इसको बोलते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट राइटिंग इन ए पर्सनल डायरी, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो अपने पर्सनल डायरी के अंदर कुछ लिखता है, अपने विचार जो है वो लिखता है, तो ये कौन से किस तरह का कम्युनिकेशन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीडिएटेड। अब पर्सनल डायरी में लिखा तो डायरी जो है वो मीडिएटेड हो गई है, मीडिया हो गई है, ठीक है, और ये कैसा है, क्या दूसरों से बातें करें खुद से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मीडिएटेड। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल होता है दूसरों के साथ बात करना, इंट्रा खुद के साथ बात करना, ठीक है ना, तो ये क्या है, मीडिएटेड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। चलो जी आगे, इंटरपर्सनल कौन सा होता है सर, इंटरपर्सनल जब दूसरे पर्सन के साथ में हम बातें करते हैं, जब दो लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अक्कर होता है व्हेन ए पर्सन एक्सचेंज, जब एक पर्सन एक्सचेंज करते हैं आइडिया विद अनदर वन एज ए यूनिक इंडिविजुअल, जब एक पर्सन जो है वो अपने आइडिया को जो है दूसरे पर्सन के साथ में क्या करता है, एक्सचेंज करता है एज ए यूनिक इंडिविजुअल के तौर पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। चलो जी आगे बढ़ो,
चार कंडीशन जो होती है जो इन्फ्लुएंस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ एन एनकोडेड मैसेज, तो वो क्या क्या है, वो डिपेंड करता है स्किल के बेस पर, एटीट्यूड के बेस पर, नॉलेज ऑफ द सेंटर एंड द सोशियो कल्चरल सिस्टम, इसके बेस पर जो है ये चार चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली जो है वो डिपेंड करता है आपका जो मैसेज है, जो मैसेज आपने जो भेजना है एनकोड करके जो मैसेज आपको सेंड करना है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो जो सेंडर है, सेंडर की स्किल, सेंडर का एटीट्यूड, सेंडर की नॉलेज, ये सब उसके वो जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ो, अब ये मैथ का क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। बोलते हैं एक आर्टिकल को सोल्ड किया हमने कितने में, 2400 रुपए में। जब हमने 2400 में उसको सेल किया तो ये 2400 बेसिकली क्या है, इट इज अ सेलिंग प्राइस, हाँ जी, और ये बेचा था एट ए प्रॉफिट ऑफ कितने, 25% पे, 25% मुनाफे पर हमने इसको बेचा 2400 में। इसका मतलब जो ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस निकलता है कि इस पे कॉस्ट पे, अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्लस में 25 बोले तो 125, तो ये जो 2400 है कितने परसेंट की वैल्यू है, 125% की वैल्यू है। ओके, बोलता व्हाट वुड बी द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा अगर हम उसको बेचते कितने में, 1800 में। देखो हमने 2400 में बेचा तो हमने कितना मुनाफा कमाया, हमने 25% प्रॉफिट कमाया, तो अगर इसको परसेंटेज को मैं एक्चुअल फॉर्म में लेके आता हूं तो मेरी कॉस्ट निकल आएगी। तो मैंने क्या किया, ये जो 2400 है ये 125% की वैल्यू है, क्योंकि इसमें 25% क्या है, प्रॉफिट है, तो 125 कैसे बना, 25% प्रॉफिट प्लस में 100% क्या हो गई आपकी कॉस्ट हो गई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 125। ठीक है जी, अब अगर मैं ये निकालता हूं प्रॉफिट, तो इसमें प्रॉफिट कितना, 125 को 1/5 लिखते हैं, हां जी, तो 1/5 480 रुपए इसमें क्या गया, प्रॉफिट आ गया। अगर मैं 2400 में से 480 को क्या करता हूं, माइनस करता हूं, तो बाकी बच गया 1920, ये मेरी क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है। अब मैंने बेचा कितने में, 1800 में, 1800 रुपए के अंदर बेच दिया, मतलब 1920 वाली चीज अगर मैं बेचूंगा कितने में, 1800 में, तो 120 रुपए का नुकसान हो गया। वो 120 का नुकसान आपको बताना है कितना परसेंट है, तो 120 अपॉन में ऐसा करते हैं ना, 120 अपॉन में 1920 इंटू में 100, तो ये आपका कट गया 12 एकम 12 और ये चला गया 16 पे, फिर 16 6.25, ये आपका आंसर आ जाएगा 6.25। अगर मान लो 1920 वाली चीज आप 1800 के अंदर क्या करोगे, सेल करोगे, तो 6.25% का जो है वो आपको क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा, क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। देखो बोलता है एक पर्सन ने एक घोड़ा जो है परचेज किया था, ए पर्सन ए मैन बॉट ए हॉर्स फॉर अ सर्टेन सम, किसी एक प्राइस के ऊपर उसने जो है उसको परचेज किया और उसको बेच दिया 8% नुकसान के ऊपर, ठीक है, 8% नुकसान है ऑफ हिज आउटले, आउटले का मतलब जो है वो क्या होती है, कॉस्ट, तो 8% लॉस पे उसने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अगर उसको 1800 रुपए फालतू मिलते तो उसको जो है वो मुनाफा होता कितना, 14.5% का। तो आपको बताना है जो हॉर्स है उसकी कॉस्ट क्या है। देखो जब भी आपको जो है प्रॉफिट या लॉस बताना होता है तो आप कैसे निकालते हो, जैसे हम ये बोलते हैं, अगर मान लो ये 8% वाली बात ना होती, सीधा बोलता कि 14.5% जो है वो 1800 रुपए मुनाफा जो है वो 14.5% की वैल्यू, तो आप वैल्यू कैसे निकालते हो, आप सीधा ये करते हो 1800 अपॉन में 14.5% इंटू में 100 करते हैं तो ये कोस आया था। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, बोल रहे एक बंदे ने जो हॉर्स परचेस किया था पहले उसने उसको बेचा कितने में, एट ए लॉस ऑफ 8%, 8% नुकसान पे उसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, ठीक है। अगर वो उसका 14.5% मुनाफे पर बेचता तो उसको फायदा कितना होता, 1800 का। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला है आपका क्या, कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस अपॉन डिफरेंस इन प्रॉफिट, ये डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना आता, 1800 का जो है वो फर्क आता, और अपॉन में डिफरेंस इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में डिफरेंस कैसे निकालते हो, नया प्रॉफिट माइनस में पुराना प्रॉफिट, तो नया प्रॉफिट कितना है 14.5% माइनस करेंगे और पुराना प्रॉफिट क्या, बल्कि लॉस था माइनस 8 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो 1800 रुपए है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, सर 1800 रुपए 22.5% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कंप्यूट लो और आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 8000 रुपए। थोड़ा सा बैठ के इसको आराम से समझिएगा, समझेंगे तो फिर बात समझ में भी आएगी। तो ये क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या, डिफरेंस इन, अगर आप निकालना हो इसको तो एक ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस अपॉन डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस के अंदर आपने डिफरेंस निकाल लिया, अब वो क्या है आपका 1800, दो अलग अलग सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल लिया, कितना डिफरेंस आया 1800, भाई पहले वाले पे जो बेचा दूसरे पे अगर बेचते तो 1800 फालतू पे बिकता, तो डिफरेंस कितना आ गया 1800, और वो 1800 कितने परसेंट की वैल्यू है, पहले वाले पे नुकसान हुआ दूसरे पे मुनाफा हुआ, दूसरे पे मुनाफा कितना होगा, सर मुनाफा होगा 14.5 का, पहले पे नुकसान कितना हुआ 8 का, तो 14.5 और 8 को जोड़ दो कितना हो गया 22.5, तो 22.5 जो है वो आपका क्या हो गया, मुनाफा हो गया। इसको आप कंप्यूट करोगे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 8000 रुपए। ओके हां जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement are true? तो इनमें से कौन सी statement जो है वो क्या है true है? बोला some argument which are not completely valid are almost valid.
बोला अगर वो कंप्लीटली वैलिड नहीं होते, वो ऑलमोस्ट वैलिड होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, वैलिडिटी के लिए तो 100% क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आगे साउंड आर्गुमेंट जो है वो मे बी इनवैलिड। साउंड तभी होता है अगर वो क्या होता है, वैलिड होता है। अनसाउंड इनवैलिड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो साउंड आर्गुमेंट वही होगा जो क्या होगा, हमेशा वैलिड होगा। तो ये भी बात जो है वो सही नहीं है। अब आता है एक कोजेंट आर्गुमेंट। जो कोजेंट आर्गुमेंट होता है, मे हैव द प्रोबेबल फॉल्स कंक्लूजन, उसका फॉल्स कंक्लूजन, मे हैव द प्रोबेबल फॉल्स कंक्लूजन एंड द स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स। तो आपको यह बताना है यहां पे जो है वो क्या है। तो मैंने यहां पे लिखा, देखो एक मिनट रुकिएगा, ये देखो ऐसा आर्गुमेंट होता है। हम पढ़ते हैं आर्गुमेंट को, डिडक्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब जो आपका इंडक्टिव के अंदर जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और आपका वीक भी होता है। और स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या, कोजेंट भी होगा और अनकोजेंट भी होता है, और वीक जो वो हमेशा क्या होगा, अनकोजेंट होगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो, बोलता है एक कोजेंट आर्गुमेंट मे हैव ए प्रोबेबल फॉल्स, जो कोजेंट आर्गुमेंट है मे हैव ए प्रोबेबल प्रोबेबल फॉल्स कंक्लूजन जो है, ये भी गलत है। ए कोजेंट आर्गुमेंट मे हैव ए प्रोबेबल फॉल्स, क्या उसमें फॉल्स हो सकता है, नहीं। जो आपका कोजेंट आर्गुमेंट है वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। और स्टेटमेंट में भी ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकती है, हाँ ये हो सकती है। तो इसमें आपको बताना कौन सा सही है, तो ओनली फोर, ये भी गलत है। ओनली फोर्थ जो है वो क्या है जी, आपका सही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो जी आगे, इन एन कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। अच्छा कैटेगरिकल प्रोपोजिशन जो है वो कैसे होता है, कंडीशनल या अनकंडीशनल। सर कैटेगरिकल प्रोपोजिशन जो है वो क्या होता है, अनकंडीशनल। तो बोलते हैं इन ए कैटेगरिकल प्रोपोजिशन द प्रेडिकेट इज इधर अफर्म्ड और डिनाइड ऑफ द सब्जेक्ट अनकंडीशनल। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, अनकंडीशनल। तो आपका जो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका अनकंडीशनल। अफर्मेटिव मतलब जब बात होती है ऑल का या फिर सम की बात होती है, और डिनाइड का मतलब क्या, जब बात होती है किसका, नो का या फिर सम नोट की बात होती है। तो ये बोला कि कैटेगरिकल के अंदर क्या होता है, तो बोलते हैं कैटेगरी प्रोपोजिशन में जो आपका प्रेडिकेट है वो इधर या तो अफर्म्ड होता है या डिनाइड होता है ऑफ द सब्जेक्ट अनकंडीशनल। तो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन हमेशा जो है वो कैसा होता है, अनकंडीशनल, मतलब इसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होती है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। सबसे पहले बोलता है इंडक्टिव आर्गुमेंट मे प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव जो है वो पर्टिकुलर से जनरल जाते हैं, बोलो इंडक्टिव आर्गुमेंट पर्टिकुलर से क्या होता है, जनरल। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि इंडक्टिव के अंदर हम लोग थ्योरी बनाने का काम करते हैं, तो वो स्पेसिफिक से जनरल होता है, बिल्कुल सही बात है। कोजेंट आर्गुमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, जो कोजेंट आर्गुमेंट है मस्ट बी इंडक्टिवली क्या, स्ट्रॉन्ग। तो कोजेंट आर्गुमेंट जो है ये, कोजेंट आर्गुमेंट जो है ये रहा, मस्ट बी इंडक्टिवली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एक मिनट रुकिए, तो ये भी क्या है, सही है, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फिर आगे बोलता है ए वैलिड आर्गुमेंट मे हैव ए फॉल्स प्रीमाइस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। वैलिड आर्गुमेंट में ऐसा हो सकता है कि फॉल्स प्रीमाइस हो, नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये जो है वो क्या है, आपका रॉन्ग है। एंड आर्गुमेंट मे लेजिटिमेटली स्पोकन ऑफ एज ट्रू और फॉल्स, और आर्गुमेंट जो है वो लेजिटिमेटली जो है वो मे बी स्पोकन एज ट्रू और फॉल्स, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता। आर्गुमेंट को हमेशा ही जो है हम क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं 100%, उसको क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं, चाहे वो एक्चुअल के अंदर क्या हो, फॉल्स हो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 और 4। इसको थोड़ा सही कीजिएगा, इसका बनाइएगा आप, 3 और 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकंड है ये गलत हो गया। बोलता है कोजेंट आर्गुमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, हाँ जी होना चाहिए। कोजेंट आर्गुमेंट वो होता है जो इंडक्टिवली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। हम यही तो बोलते हैं ना कि कोजेंट आर्गुमेंट वही होगा जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये तो बात एकदम क्या है, सही है। इंडक्टिव आर्गुमेंट हमेशा प्रोसीड करते हैं पर्टिकुलर से जनरल, ये भी बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही है सेकंड भी। थर्ड में क्या बोला कि वैलिड आर्गुमेंट जो है मे हैव ए फॉल्स प्रीमाइस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। वैलिड आर्गुमेंट वो होता है जिसमें फॉल्स प्रीमाइस होती है, क्या ऐसा नहीं होता है। वैलिड आर्गुमेंट जो है वो होगा जिसके अंदर प्रीमाइस और कंक्लूजन जो है वो क्या होंगे, ट्रू होते हैं। और आर्गुमेंट मे बी लेजिटिमेट टू बी स्पोकन एज ए ट्रू और फॉल्स, नहीं, आर्गुमेंट को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% ट्रू मानते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 और 4 आएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़े, अब बोलता है स्टैंडर्ड साइज जो है आईपी एड्रेस का, आईपी एड्रेस का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है क्या, 32 बिट्स का होता है, ठीक है जी। आगे बोलता है स्मॉल टेक्स्ट फाइल, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल डेट ए वेब सर्वर स्टोर ऑन ए यूजर हार्ड ड्राइव व्हेन द यूजर विजिट सर्टेन वेबसाइट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुकीज। जो आपके अलग अलग जो कुकीज होती है हर उसकी जो आपकी वेबसाइट्स है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कुकी। ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो डेट ए वेब सर्वर स्टोर, जो वेब सर्वर के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है ऑन ए हार्ड ड्राइव व्हेन द यूजर विजिट करता है सर्टेन वेबसाइट्स को। जब यूजर जो है अलग अलग वेबसाइट को विजिट करता है, तो वो स्मॉल जो टेक्स्ट फाइल होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कुकीज।
आगे एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, एक न्यूमेरिकल एड्रेस जो होता है हर एक कंप्यूटर का अपना यूनिक जो है वो एक एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं क्या आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये क्या है, यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट एक्सप्रेस एस फोर सेट ऑफ नंबर, चार सेट ऑफ नंबर होते हैं, मतलब ये एक सेट होगा, दो सेट होगा, तीन सेट होगा, चार सेट होगा, जिसको जीरो से जो है डिजिट पॉइंट से जो है वो क्या होता है उनको बाइफरकेशन होता है, मैक्सिमम थ्री डिजिट ईच, थ्री डिजिट ईच एंड सेपरेट बाय द डॉट, और वो सेपरेट है किसी डॉट से, ये डॉट्स होती हैं अलग अलग, तो इनसे वो क्या होता है सेपरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आगे इंडिया इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द मेगावाट टू गीगावाट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू टारगेट, जो नया टारगेट 2022 तक इंडिया का जो सोलर एनर्जी के ऊपर है वो है कितना 100 गीगावाट जो है वो अपने को सोलर एनर्जी एनर्जी जो है वो क्या करनी है प्रोड्यूस करनी है, तो ये है आपका 100 गीगावाट। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिट किया इंटीग्रेटेड नेशनल डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन INDC टारगेट टू द यूएन को फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है ट्रू है। सबसे पहला इंडिया ने यह बोला कि हम क्या करें रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33-35% बाय 2030 फ्रॉम द 2005 लेवल, 2030 तक हम इतना परसेंट जो उसको क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे एमिशन कैपेबिलिटी को। आगे अचीव करेंगे अबाउट 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स, ये भी बात सही है, एंड क्रिएट करेंगे एडिशनल कार्बन सिंक, एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे जो CO2 को क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे ऑफ 2.5-3 billion टन ऑफ द CO2 इक्विवेलेंट थ्रू थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर्ड बाय 2030। तो ये तीनों बातें जो है वो क्या है सही है, ये तीनों को याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन इंडिविजुअल भी बन सकता है, जैसे ऐसा बोल दे कि गवर्नमेंट का जो है अपने इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक का एक सिस्टम बनाया है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम कार्बन सिंक को जो है वो क्या करेंगे डेवलप करेंगे, तो ये बताओ कितने से कितना, तो ये ध्यान रखना 2.5-3 billion टन जो है वहां तक का होगा ये, तो इसको ध्यान करना पड़ेगा ठीक है ना। तो कार्बन सिंक आपको मैंने बताया था जो CO2 एमिट होती है तो उसका एब्जॉर्ब करने के लिए हम कार्बन सिंक जो है हमारे नेचुरल कार्बन सिंक बने हुए हैं लाइक आपके बड़े बड़े जो जंगल्स हैं ठीक है, तो जंगल में जो है वो बेसिकली क्या करते हैं जो भी CO2 उसको क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो ये इसका कुछ डेटा है तो ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो है इसका वो है ऑल ऑफ द अबव 1, 2, 3। आगे इन केस ऑफ फ्यूल, फ्यूल के केस में व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस बिटवीन द BS4 एंड BS6, अभी जो है मैंने आपको बोला कि BS6 जो है वो आ गया है, तो BS6 जो लेके आए थे तो वो किस लिए था, तो वो था बेसिकली सल्फर के लिए ठीक है। आगे Which of the following nation is the main source of algebra? ये तो आपको मालूम होगा इंडिया को ये गौरव प्राप्त है algebra, trigonometry, calculus, इसके लिए जो सबसे मेन जो सोर्स है वो क्या है मैथमेटिक्स के लिए अपना इंडिया। आगे मैच द फॉलोइंग करना है एंशियंट टीचर्स बता रखे हैं और उनके मेन फीचर बता रहे हैं, सबसे पहले बात करें तो आचार्य, आचार्य जो है वो क्या नो चार्जिंग फ्रॉम द फ्री फ्रॉम द प्यूपिल, आचार्य का तो ये होता है। अच्छा चरक जो है वो बेसिकली कौन होते हैं, ये वेंडिंग स्कॉलर जो घूमते रहते हैं स्कॉलर इनक्वेस्ट फॉर द हायर नॉलेज के लिए। ये योजनास्तिका जो है ये कौन थे, ये वो टीचर थे जो फेमस होते फॉर द प्रोफाउंड स्कॉलरशिप के लिए, और ये उपाध्याय जो है ये कौन थे, ये टीचिंग एज ए प्रोफेशन फॉर द लिवलीहुड, इनको बोलते हैं हम लोग क्या उपाध्याय। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है आपका। इसके बाद लास्ट जो है वो क्या देखो इफ यू लुक एट द 6 मेन सब्जेक्ट एरिया सच एज द फोनेटिक्स रिचुअलिस्टिक नॉलेज ग्रामर एक्सीगेटिक्स मैट्रिक्स एंड द एस्ट्रोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं, देखो आपके चार वेद थे हाँ जी, और वैदिक सिस्टम में चार वेद के साथ में जो है हम लोग जो है वो क्या पढ़े वेदांगस पढ़ते हैं, और वेदांगस जो है वो टोटल मिला के कितने होते हैं 6 होते हैं। तो ये जो है ये फोनेटिक्स हो गया, रिचुअलिस्टिक नॉलेज हो गया, ग्रामर हो गया, एक्जेंटिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सब जो है ये सब पार्ट है किसका आपका वेदांगास का, तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द वेदांगास। ओके हाँ जी सर, लो जी ये टॉपिक हो गया आपका आज का और 25 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। आपको क्या करना है जो आपने क्वेश्चन पहले किए थे उनको और इस आंसर के साथ में क्या करना है मैच करना है, और मैच करके जो है आपको बताना है कि आपके कितने आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा कितने आपके जो है आंसर ठीक बैठे हैं, और अगर मान लीजिए पिछले टेस्ट के मुकाबले में अगर ये आपके कुछ सही नहीं भी बैठते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो तो भी क्या हो गया, हमको कुछ नया तो सीखने को मिला ना, अभी एग्जाम थोड़ी आ गया तो नया सीखने को मिला कम से कम, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि एग्जाम में जाने से पहले हमको इस चीज का नॉलेज हो गया। मैं आपको देखो हमेशा एक बात बोलता हूं कि हम सब कुछ जान नहीं सकते, हम ज्ञाता नहीं बन सकते, हम ऐसा नहीं बन सकते कि हम सब कुछ जान ले, लेकिन हम बहुत कुछ जान सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा माइंड के अंदर कि जहां से भी जो कुछ मिल रहा है तो आप उसको गेट करें ठीक है ना, और परेशान मत होइए, अगर अब पता चल गया तो कोई बात नहीं, कम से कम ये कि कल दोबारा अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपके गलत तो नहीं होंगे
जी सर, तो इसलिए तो स्टे आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा ही, ठीक है ना जी सर। चलो ये हो गया, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छे लगे अच्छे से कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इवनिंग में एक और नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।